हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमाज क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसका यूनिट 4 में से 4.4 चैप्टर है रामानुजन। उसी चैप्टर को पूरी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वर्कशॉप के, या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन या इंग्लिश वर्कशॉप के, ये सभी के सभी मैं आपको एक लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा मेरी रही है आप लोगों से, वो ये है कि अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस आपको लगातार मिलते रहे बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और यदि आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं रामानुजन पे। वन मॉर्निंग अर्ली इन 1913, हार्डी फाउंड अमंग द लेटर्स ऑन हिज ब्रेकफास्ट टेबल a large untidy envelope decorated with Indian stamps. When he opened it, he found sheets of paper by no means clean, on which in a non-English script were line after line of symbols. Hardy glanced at them without enthusiasm. अब एक सुबह 1913 early बोल सकते हैं सुबह में हार्डी जब लंच अपना ब्रेकफास्ट करने बैठ रहे थे टेबल पे, तब उन्हें वहां पर बहुत सारे लेटर्स में एक बहुत ही अनटाइडी एनवेलप भी मिला, जो कि बिल्कुल भी क्लीन नहीं था। ऐसे एक एनवेलप था जिस पर इंडियन स्टैम्प्स लगे हुए थे, डेकोरेटेड विथ इंडियन स्टैम्प्स, मतलब उस एनवेलप पे इंडियन स्टैम्प्स लगे हुए थे। और जब उन्होंने वो लेटर खोला, एनवेलप खोला, तो उसके अंदर कुछ शीट्स ऑफ पेपर निकले, और जो कि नॉन इंग्लिश स्क्रिप्ट में उनमें कुछ लिखा हुआ था, मतलब इंग्लिश में नहीं था, कुछ दूसरे लैंग्वेजेस भी यूज की गई थी, नॉन इंग्लिश स्क्रिप्ट में उसमें लिखा था। बहुत सारे लाइन बाय लाइन कुछ सिंबल्स बनाए हुए थे, कुछ ड्रॉ किए हुए थे। हार्डी ने उनके तरफ सिर्फ एक नजर दौड़ाई, लेकिन बिल्कुल भी उसे इंटरेस्ट नहीं लग रहा था कि ये क्या बकवास चीज है, क्या देख रहा हूं मैं, ये क्या गंदी सी चीज मेरे हाथ में आ गई है। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था हार्डी को वो देखने में। सो ही ओपन ही ग्लैंस्ड एट देम, ग्लैंस्ड मतलब जस्ट एक नजर मारी, विदाउट एंथुजियाज्म, विदाउट एंथुजियाज्म मीन्स बिना किसी इंटरेस्ट के। ही फेल्ट मोर देन एनीथिंग बोर्ड, ही ग्लैंस्ड एट द लेटर रिटन इन हॉल्टिंग इंग्लिश, साइंड बाय एन अननोन इंडियन, आस्किंग हिम टू गिव एन ओपिनियन ऑफ दीज मैथमेटिकल डिस्कवरीज। द स्क्रिप्ट अपियर्ड टू कंसिस्ट ऑफ थियोरम्स, मोस्ट ऑफ देम वाइल्ड और फैंटास्टिक लुकिंग, वन और टू ऑलरेडी वेल नोन, लेड आउट एज दो दे वर ओरिजिनल। There were no proofs of any kinds. Hardy was not only bored but also irritated. It seemed like a curious kind of fraud. He put the manuscript aside and went on with his day's routine. अब यहाँ पर हार्डी ने जब ये लेटर निकाला तो उसे सिर्फ बोर हो रहा था, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि गंदा सा एनवेलप है, तो बिल्कुल बोर हो रहा था उसे। और उसने जस्ट एक नजर दोहराई, क्योंकि उसमें इंग्लिश भी प्रॉपर नहीं थी, हॉल्टिंग इंग्लिश यानी रुक रुक के इंग्लिश में लिखा हुआ था, कुछ इंग्लिश भी प्रॉपर नहीं थी, और एक अननोन पर्सन का वहां पर सिग्नेचर था, अननोन इंडियन, क्योंकि ये इंडिया से लेटर आया था तो नेचुरली उसको इंडियन ही कहेंगे, जिसे वो जानता भी नहीं था। और ये जिसने लेटर लिखा है हार्डी को, वो हार्डी से ओपिनियन पूछ रहा था कि उसने कुछ मैथमेटिकल डिस्कवरीज की है, इसके बारे में हार्डी अपना ओपिनियन दे। अभी किसने की है, ये जो अननोन राइटर है जिसने ये लेटर लिखा है हार्डी को, उसने कुछ मैथमेटिकल डिस्कवरीज की है। अब ये स्क्रिप्ट जो थी हार्डी ने जो देखी, ये पेपर्स जो थे उनमें बहुत थ्योरम्स ही थ्योरम्स लिखे हुए थे। अभी हमें पता है थ्योरम्स क्या होते हैं, हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, हम प्रूफ करते हैं किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता दूं, अ ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स एंड द थ्री एंगल्स टुगेदर सम अप टू 180 डिग्री, है ना। हम 180 डिग्री से ज्यादा भी नहीं होता है, 180 डिग्री से कम भी नहीं होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास थ्योरम्स है, हम इन्हें प्रूफ करते हैं। द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री, ये एक्सियोम है, एक्सियोम को हम प्रूफ करते हैं। तो जो प्रूफ करते हैं उसे हम थ्योरम्स कहते हैं। तो ये जो अननोन इंडियन था, इसने ऐसे ही बहुत सारे थ्योरम्स लिखे थे, वाइल्ड थ्योरम्स और फैंटेस्टिक लुकिंग, हालांकि हैंडराइटिंग उसकी टूटी फूटी सी थी, लेकिन वो थ्योरम्स एक नजर डालने पर ही बहुत ही फैंटेस्टिक भी लग रहे थे, वाइल्ड लग रहे थे। जैसे कि कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं रहती है, यहां वहां अक्षर रहते हैं उनके घूमे हुए, तो एक या दो थ्योरम्स तो उसमें से ऑलरेडी बन चुके थे, लोगों ने डिस्कवर कर दिए थे, एक या दो थ्योरम्स के बारे में ऑलरेडी बता दिए गए थे। लेकिन उस इंसान ने, उस इंडियन ने, अननोन इंडियन ने कुछ इस तरीके से उन थ्योरम्स को लिखा था एज इफ कोई पहली बार उन्हें प्रेजेंट कर रहा हो, जैसे कि वो ओरिजिनल हो।
कोई प्रूफ नहीं था किसी भी काइंड का, सिर्फ थ्योरम्स लिखे हुए थे, कोई सॉल्यूशन, कोई प्रूफ, कुछ अटैचमेंट नहीं था इनके लिए। और इसी वजह से हार्डी को बहुत बोर हो रहा था और वो साथ ही साथ बहुत इरिटेट भी हो रहा था, गुस्सा आ रहा था। इट सीम्ड लाइक अ क्यूरियस काइंड ऑफ फ्रॉड। अब यहाँ पे क्यूरियस काइंड ऑफ फ्रॉड आपको बार बार वर्ड आएगा। क्यूरियस काइंड ऑफ फ्रॉड मीन्स यहाँ पे जैसे कि कोई उत्सुकता, हम क्यूरियस मीन्स कोई उत्सुकता होती है और फ्रॉड मतलब चीटिंग करना होता है। तो आप उत्सुकता और चीटिंग दोनों साथ में मिला ले हैं। अब ये उत्सुक है कि ये क्या चीज है, उसने जो लिखे हैं, उस हार्डी उत्सुक है कि ये क्या चीज है जो इसने लिखे हैं, और साथ ही साथ वो फ्रॉड भी कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉमन इंसान है जिसको प्रॉपर इंग्लिश लिखनी भी नहीं आ रही है, वो इतना बड़ा डिस्कवरी कर रहा है, थ्योरम्स लिख रहा है और अपना ओपिनियन पूछ रहा है, तो कहीं वो फ्रॉड तो नहीं कर रहा है मेरे साथ, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है। तो क्यूरियोसिटी भी है कि भाई वो इंसान है कौन, और एक फ्रॉड जैसा भी लग रहा है कि भाई इसके बस की तो बात होनी नहीं चाहिए, ये छोटा सा इस गांव में रहने वाला, प्रॉपर पढ़ा लिखा भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है, इस तरीके से हॉल्टिंग इंग्लिश लिख रहा है, इसको क्या तो आता होगा। ये एक जनरल किसी का भी सेंस कहते हैं कि हम जैसे किसी के बारे में अपनी राय बना लेते हैं, तो इंडियंस के बारे में उस वक्त हार्डी की कुछ ऐसी राय थी, इसीलिए उन्होंने क्यूरियस काइंड ऑफ फ्रॉड कहा है उसे। ही पुट द मैन्यूस्क्रिप्ट असाइड एंड वेंट ऑन हिज डेज रूटीन। तो उसने क्या किया, जस्ट एक देखा, ग्लैंस किया यहाँ वहां, थोड़ा सा उसको दिमाग में लगा कि क्या लिखा है इसने, फिर उसने उस मैन्यूस्क्रिप्ट को बाजू में रख दिया और वो अपने डेली रूटीन की तरफ निकल गए, यानी ब्रेकफास्ट करने के बाद में जो उनका डेली का काम रहता है उसी काम के लिए वो बाहर निकल गए। आफ्टर लंच ही लोप्ड ऑफ फॉर अ गेम ऑफ रियल टेनिस इन द यूनिवर्सिटी कोर्ट। इफ इट हैड बीन समर ही वुड हैव वॉक डाउन टू फेनर्स टू वॉच क्रिकेट। इन द लेट आफ्टरनून ही स्ट्रोल्ड बैक टू हिज रूम्स। That particular day, though, while the timetable wasn't altered, internally things were not going according to plan. At the back of his mind, getting in the way of his complete pleasure in his game, the Indian manuscript nagged away. अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने लंच किया, that is daily breakfast के बाद में जो उनका daily routine था वो उन्होंने किया ही, लंच होने के बाद में वो एक टेबल टेनिस का गेम खेलने के लिए निकल गए यूनिवर्सिटी कोर्ट में। ये तो क्योंकि मे बी ये विंटर था इसीलिए वो टेबल टेनिस का कोर्ट खेलने गए थे, क्योंकि टेबल टेनिस इंडोर्स होता है, लेकिन अगर ये समर सीजन होता था उस वक्त तो वो फेनर्स एक प्लेस है जहां पर इंग्लैंड में ही, तो वहां पर वो क्रिकेट देखने जाते थे अगर समर सीजन होता था तो, जो ओपन गेम होता है। तो उस लेट आफ्टरनून में वो वापस अपने रूम में गया और उस दिन खासकर कुछ भी उन्होंने जो भी उनका टाइम टेबल था उन्होंने प्रॉपर फॉलो किया। टाइम टू टाइम जो उनको करना था, ब्रेकफास्ट है या टेबल टेनिस खेलना हो या कहीं जाना हो, टाइम टू टाइम प्रॉपर उनका काम कर रहे थे वो, लेकिन उस काम में प्रॉपर उनका मन नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल फ्री होकर, बिंदास होकर, अपने पूरे आनंद से कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, पूरी खुशी से कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें खुशी नहीं मिल रही थी कोई भी काम करने में। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो लेटर देखा था ना, वो इंडियन पर्सन का लिखा हुआ, तो वो बार बार उनके दिमाग में फ्लैशबैक की तरह आ रहा था कि अरे वो क्या था। वाइल्ड थ्योरम्स सच एज ही हैड नेवर सीन बिफोर नॉर इमेजिन्ड। तो क्या उनके दिमाग में आ रहा था? वो वाइल्ड थ्योरम्स जो उन शीट्स ऑफ पेपर में थे, उस एनवेलप में, और ऐसे ऐसे थ्योरम्स जो उन्होंने शायद कभी पहले कभी देखे भी नहीं थे और ना ही कभी इमेजिन किया था, सोचा भी नहीं था इनके बारे में कि ऐसे भी कोई थ्योरम्स हो सकते हैं। फिर से वो कह रहे हैं अ फ्रॉड ऑफ जीनियस। क्या जीनियस है या फ्रॉड है, या फ्रॉड वाला जीनियस है, यानी ऐसा जीनियस जो धोखा दे रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, कोई जीनियस आपको धोखा कैसे देगा? तो वो खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या इंसान है, क्या लिखा है उसने, वाओ। इस तरीके से अ क्वेश्चन वॉज फॉर्मिंग इटसेल्फ विथ एपिग्रामेटिक क्लैरिटी। तो एक क्वेश्चन उनके अंदर बन रहा था विथ एपिग्रामेटिक क्लैरिटी। एपिग्रामेटिक मीन्स वेरी शॉर्ट एंड विटी एक्सप्रेशन। एपिग्राम एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें शॉर्ट एंड स्वीट में हम सब कुछ बता देते हैं, मैक्सिमम पार्ट ऑफ नॉलेज हम शॉर्ट एंड स्वीटली दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है अ फ्रॉड ऑफ जीनियस। फ्रॉड जीनियस इसलिए क्योंकि उसने जो लिखा है वो शायद ही कोई लिख पाता है, या उसने बहुत अच्छी तरीके से कोई काम किया हो। और फ्रॉड इसलिए कहा है कि हो सकता है उससे हमने ये एक्सपेक्ट ना किया हो इतना अच्छा काम।
इसीलिए ये फ्रॉड ऑफ जीनियस, क्योंकि ये किसी इंडियन मैथमेटिशियन ने भेजा था और उन्हें ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई इंडियन इतने अच्छे तरीके से या इतना इंटेलिजेंट हो सकता है. मे बी इसी वजह से भी ये यूज किया जा सकता हो, अ फ्रॉड ऑफ जीनियस. तो अ क्वेश्चन वॉज फॉर्मिंग इट सेल्फ विथ एपिग्रामेटिक क्लैरिटी, इज अ फ्रॉड ऑफ जीनियस मोर प्रोबेबल देन एन अननोन मैथमेटिशियन ऑफ जीनियस. मतलब ये क्वेश्चन जो उनका बन रहा था वो कुछ इस तरीके से बन रहा था कि क्या ये फ्रॉड है, फ्रॉड ऑफ जीनियस है, या फिर एक अननोन मैथमेटिशियन ऑफ जीनियस है, कौन है? क्लियरली द आंसर वॉज नो, उनको पता नहीं था इसका आंसर. तो बैक इन हिज रूम्स इन ट्रिनिटी ही हैड अनदर लुक एट द स्क्रिप्ट. वापस से वो ट्रिनिटी में अपने रूम में गए और वापस से उन्होंने उस स्क्रिप्ट को देखा, और एक नजर फिर से जब उन्होंने स्क्रिप्ट को देखा तो उन्होंने एक मैसेज भेजा एक मैसेंजर के साथ में लिटलवुड के लिए. लिटलवुड, जे ई लिटलवुड, एक इंग्लैंड के ही मैथमेटिशियन है, इंग्लिश मैथमेटिशियन. और उन्होंने मैसेंजर इसलिए भेजा क्योंकि मे बी उनको मशीन्स पे, फोन पे वगैरह ज्यादा भरोसा नहीं था. इसीलिए देखो यहाँ पे दिया गया है, ही सेंट वर्ड टू लिटलवुड. लिटलवुड एक मैथमेटिशियन का नाम है इंग्लिश, यहाँ दिया है जे ई लिटलवुड एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, जो कि वर्ड इसलिए बोला, मैसेंजर इसलिए भेजा उन्होंने बिकॉज, और टेलीफोन से नहीं बोला जैसे कि बहुत सारे मैकेनिकल कॉन्ट्रिवेंसेस मतलब अप्लायंसेस या गैजेट्स बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग फाउंटेन पेन्स. इसीलिए उन्होंने फोन से या नहीं बोला क्योंकि उन्हें किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या गैजेट्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं था. इसीलिए उन्होंने मैसेंजर के हाथों अपना मैसेज पहुंचाया लिटलवुड तक, और उन्होंने ये कहा उनसे लिटलवुड के लिए ये मैसेज पहुंचाया कि दे मस्ट हैव अ डिस्कशन आफ्टर द हॉल. आफ्टर द हॉल मीन्स आफ्टर द डिनर, स्पेशली डिनर के बाद में उन्हें कुछ डिस्कशन करना है. इसीलिए उन्होंने मैसेंजर के साथ एक मैसेज भेजा लिटलवुड के लिए. बिफोर मिडनाइट दे न्यू एंड न्यू फॉर सर्टन द राइटर ऑफ दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स वॉज अ मैन ऑफ जीनियस. दैट वॉज एज मच एज दे कुड जज दैट नाइट. इट वॉज ओनली लेटर दैट हार्डी डिसाइडेड दैट रामानुजन वॉज इन टर्म्स ऑफ नेचुरल मैथमेटिकल जीनियस इन द क्लास ऑफ गॉस एंड यूलर, बट दैट ही कुड नॉट एक्सपेक्ट बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ हिज एजुकेशन एंड बिकॉज ही हैड कम ऑन द सीन टू लेट इन द लाइन ऑफ मैथमेटिकल हिस्ट्री टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द सेम स्केल. देखो यहाँ पे वही बात बता दी गई है. मिड नाइट से पहले जब ये दोनों मिले, लिटलवुड और हार्डी, जब दोनों मिले हॉल के बाद में, यानी डिनर के बाद में, तो डाइनिंग रूम में ही, तो उन्होंने मिड नाइट से पहले उनको सर्टन हो गया था कि ये जो राइटर है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, ये जिसने भी लिखा है वो वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस है, और ऐसा जीनियस जिसे हम नेचुरल मैथमेटिकल जीनियस कह सकते हैं. और जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं जैसे गॉस एंड यूलर, इन मैथमेटिशियंस के लाइन में उसको हम खड़ा कर सकते हैं, वो इतना जीनियस है, इतना इंटेलिजेंट है, या इतना नेचुरल मैथमेटिकल जीनियस है, यानी कि जिसको एक प्रॉपर बेसिक एडुकेशन भी नहीं है, ऐसा इंसान जो है मैथमेटिक्स में ऐसे ऐसे वाइल्ड थ्योरम्स लिख रहा है, फैंटेस्टिक थ्योरम्स लिख रहा है, कि मैथमेटिक्स की उसकी नॉलेज जो है उसके वजह से हम उसे उन बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के साथ खड़ा कर सकते हैं, उनके लाइन में बोल सकते हैं. बट सिर्फ इतना ही है, क्योंकि उसका जो डिफेक्ट है उसके एडुकेशन का, उसके बेसिक एजुकेशन नहीं हुई थी, और वो इस मैथमेटिकल सीन में थोड़ा लेट आए, उनकी एंट्री थोड़ी लेट हुई, क्योंकि ये डिस्कवरीज ऑलरेडी, कुछ कुछ डिस्कवरीज जो इन्होंने लिखी है वो ऑलरेडी दूसरे मैथमेटिशियंस ने कर दिया था. तो जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इस अननोन राइटर ने, इंडिया के अननोन राइटर ने, वो थोड़ा सा लेट आए हैं, इसीलिए उनके कंट्रीब्यूशंस वो नहीं काउंट होंगे, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने बना लिया है तो हम नहीं काउंट कर सकते थे उसके लिए. तो सिर्फ वो हार्डी इसीलिए एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको एक बेसिक एजुकेशन नहीं था और वो इस सीन में बहुत लेट आए थे, इसीलिए वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा था कि वाकई में ये जीनियस है या कोई फ्रॉड है, वो ये कह रहे थे. तो जो ऊपर क्यूरियस फ्रॉड ऑफ जीनियस जो बता रहे थे ना, वो ये चीज है. वो मे बी ये सोच रहा था कि उसकी इतनी एजुकेशन भी नहीं है, वो कैसे लिख सकता है, कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है मेरे साथ में, और अगर लिखा तो भी है तो कितना वंडरफुल है, अगर वाकई में उसने लिखा है तो वाओ, क्या जीनियस है वो. तो इस तरीके से उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे.
यहाँ देखिए गॉस दिया हुआ है जर्मन मैथमेटिशियन है और यूलर जो है स्विस मैथमेटिशियन है. द फॉलोइंग डे हार्डी वेंट इन टू एक्शन. रामानुजन मस्ट बी ब्रॉट टू इंग्लैंड, हार्डी डिसाइडेड. मनी वॉज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम. ट्रिनिटी हैड यूजली बीन गुड एट सपोर्टिंग अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट. द कॉलेज हैड बीन द सेम फॉर कपित्सा अ फ्यू ईयर्स लेटर. Once Hardy was determined, no human agency could have stopped Ramanujan, but they needed certain amount of help from a superhuman one. अब Hardy जो है following day वो Hardy action में आ गए. action में आ गए मतलब अब उन्हें पता था कि ये जो script writer है ये एक बहुत बड़ा genius है Ramanujan, और इसे England लाना ही होगा, उसके talent को बाहर निकालना ही होगा. और Hardy ने decide कर लिया कि Ramanujan को वो England बुलाएगा. मनी उनके लिए एक प्रॉब्लम नहीं था, रामानुजन को इंग्लैंड लाने में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था उनके लिए, क्योंकि जहां पर वो पढ़ते थे या पढ़ाते थे, ट्रिनिटी जो यूनिवर्सिटी है वहां की, ट्रिनिटी एक बहुत बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, तो ट्रिनिटी जो है हमेशा ही ट्रिनिटी ने अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट को सपोर्ट किया है. अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट मीन्स जो लोग टैलेंटेड है, मे बी जो पुअर भी हैं, जो लोग टैलेंटेड है उन लोगों को सपोर्ट किया है. कैसे सपोर्ट किया है? बाय गिविंग देम फाइनेंशियल हेल्प फॉर देयर स्टडीज. उनको स्टडीज करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प देना. अभी ये चीज मैं बोल सकती हूँ, जैसे स्कॉलरशिप्स होते हैं, स्कॉलरशिप्स में मतलब आपको अगर आप बहुत टैलेंटेड हो, आपका एजुकेशन अच्छा है, तो आपको कुछ मनी मिलता है ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे हम स्कॉलरशिप कहते हैं. या बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो स्कॉलरशिप के बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन मिल जाता है. तो बिल्कुल उसी तरीके से ट्रिनिटी भी जो थे वो इसी तरह के बच्चों को हेल्प करती थी. अनऑर्थोडॉक्स टैलेंट यानी द कॉलेज हैड बीन सेम फॉर कपित्सा. कपित्सा भी यहाँ पे बताया गया है, कपित्सा के बारे में भी. सोवियत फिजिक्सिस्ट एंड नोबेल लॉरियट है. सोवियत यूनियन के फिजिक्सिस्ट, फिजिक्स की स्टडी उन्होंने की थी, फिजिक्स में काफी उन्होंने डिस्कवरीज इन्वेंशंस किए थे, और एक नोबेल लॉरिएट भी है यानी नोबेल प्राइज भी उन्हें मिला हुआ है कपित्सा को. लेकिन कपित्सा को भी किसने हेल्प किया था? ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी ने हेल्प किया था कुछ साल बाद, रामानुजन के कुछ साल बाद. तो एक बार अगर हार्डी ने डिसाइड कर दिया तो कोई भी ह्यूमन एजेंसी उनको रोक नहीं सकती थी. बट ऑफकोर्स उनको एक सुपर ह्यूमन जरूर लगेगा रामानुजन को यहां पर इंग्लैंड लाने के लिए, क्योंकि रामानुजन जहां रहते हैं वो था इंडिया. इंडिया इज अ प्लेस ऑफ रिलीजियन, रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स. रिचुअल्स को तोड़कर आना रामानुजन के लिए उस वक्त कोई आसान काम नहीं था. इसीलिए यह कहा है सर्टन अमाउंट ऑफ हेल्प फ्रॉम अ सुपर ह्यूमन वन. रामानुजन टर्न्ड आउट टू बी अ पुअर क्लर्क इन मद्रास चेन्नई, लिविंग विद हिज वाइफ ऑन 20 pounds a year. He was usually strict about his religious observances with a mother who was even stricter. It seemed impossible that he could break the ban and cross the water. Fortunately, his mother had the highest respect for the goddess of Namakkal. One morning, Ramanujan's mother made a startling announcement. She had a dream the previous night in which she saw her son seated in a big hall among a group of Europeans, and the goddess of Namakkal had commanded her not to stand in the way of her son fulfilling his life's purpose. This, say Ramanujan's Indian biographers, was a very agreeable surprise to all concerned. अब रामानुजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रामानुजन मैड्रास में, चेन्नई में रहता था, और वो वहां पर एक क्लर्क था, बहुत ही गरीब था, क्लर्क था, और वो और उसकी वाइफ वहां पे 20 pounds सालाना जो उनको, वो 20 pounds कमाते थे. 20 pounds यानी 2000 rupees हम आज के बोल सकते हैं एक साल के उस वक्त. और वो थोड़े से रिलीजियस ऑब्जर्व, रिलीजियन को ऑब्जर्व करते थे, रिलीजियस रूल्स प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, और वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे इसको फॉलो करने में, अपने रिलीजियस रूल्स को फॉलो करने में. लेकिन उन वो जितने स्ट्रिक्ट थे उनकी मम्मी तो उनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी. अब रामानुजन को इंग्लैंड ले जाना बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि उनके रिलीजन में ऐसा था कि वो लोग ओशन क्रॉस नहीं कर सकते, समुद्र, खारा पानी, ओशन क्रॉस नहीं करना था. ये उनका रिलीजन कुछ था, रिलीजियस वो बैन था उनके लिए, उनके रिलीजन में, कि दे शुड नॉट क्रॉस द वॉटर. तो ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी रामानुजन के लिए. लेकिन फॉर्चुनेटली हम बोल सकते हैं उनका नसीब या उनका फॉर्च्यून, उनकी मदर जो है
वो गॉडेस ऑफ नमक्कल की बहुत बड़ी डिवोटी थी, और एक मॉर्निंग उन्होंने एक सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट की थी. अर्ली मॉर्निंग उन्होंने एक सरप्राइजिंग, स्टार्टलिंग मीन्स बहुत ही सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट उन्होंने की. और उन्होंने क्या कहा कि उस रात उन्होंने सपना देखा कि उनका बेटा रामानुजन जो है यूरोपियंस लोगों के साथ में बैठा हुआ है एक बड़े से हॉल में, और उनका बेटे का वो जो सपना उन्होंने देखा है वो पूरा होना चाहिए, और इसीलिए गॉडेस नमक्कल ने भी उन्हें कहा है कि तुम उसके रास्ते में मत आओ, अपने बेटे के तरक्की के रास्ते में मत आओ. और इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अभी इंग्लैंड जा सकता है, समुद्र क्रॉस करेगा, कोई बैन नहीं है उसके लिए. तो अपने लाइफ के पर्पस को फुलफिल करने के लिए रामानुजन को आगे भेजा उन्होंने. तो जो जिन्होंने रामानुजन के लाइफ के बारे में लिखा है, जो बायोग्राफर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा एग्री हो रही थी इस बात के लिए, क्योंकि जहां इतनी स्ट्रिक्ट थी, सुपरस्टिशियस थी उनकी मम्मी, सुपरस्टिशियस थी, वहां उन्होंने एकाएक उन्हें बाहर जाने से रोका नहीं, उल्टा बाहर जाने के लिए कहा. तो ये नेचुरली एक सरप्राइज है, ये एक सुपर ह्यूमन ही हम बोल सकते हैं कि कुछ हुआ है, कुछ चमत्कार ही हुआ है जिसके वजह से रामानुजन इंग्लैंड पहुंचे. इन 1914 रामानुजन अराइव्ड इन इंग्लैंड. सो फार एज हार्डी कुड डिटेक्ट, दो इन दिस रिस्पेक्ट आई शुड नॉट ट्रस्ट हिज इनसाइट फार, रामानुजन डिस्पाइट द डिफिकल्टीज ऑफ ब्रेकिंग द कास्ट लॉज डिड नॉट बिलीव मच इन थियोलॉजिकल डॉक्ट्राइन except for a vague pantheistic benevolence any more than Hardy did himself. But he did certainly believe in ritual. When Trinity put him up in college within 4 years, he became a fellow. There was no Ellen St. Aubyn self-indulgence for him at all. Hardy used to find him ritually changed into his pyjamas, cooking vegetables rather miserably in a frying pan in his own room. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए. यहाँ पे काफी बच्चों को डिफिकल्टी आती है इन चीजों को समझने के लिए. बहुत आसान मैं आपके लिए कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा. 1914 में रामानुजन जो है इंग्लैंड पहुंचे. जितना हार्डी ने रामानुजन को देखा, उन्हें ऐसा लगा कि भले ही उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा इंग्लैंड आने तक, कि समुद्र क्रॉस करना है, रिचुअल्स को तोड़ना है, कास्ट जो उनके लॉज है उनको तोड़ना है, भले उनको इतना सामना करना पड़ा डिफिकल्टीज का इंग्लैंड आने के लिए, हालांकि वो इतना मानते नहीं थे इन सब चीजों में. थियोलॉजिकल डॉक्ट्राइन यानी कि जो भी बिलीफ्स है गॉड एंड रिलीजन का, इतना वो मानते नहीं थे. वो तो सिर्फ अपनी मम्मी के वजह से उनको उतना ऑब्जर्व करना पड़ता था वहां पर. और एक्सेप्ट फॉर अ वे, मतलब कुछ चीजों को छोड़कर वो भी ज्यादा रिलीजियन रिचुअल्स में नहीं मानते थे. अब वो क्या है कुछ चीजें एक्सेप्ट फॉर अ वे? पेंथियस्टिक बेनेलोलेंस. पेंथियस्टिक बेनेलोलेंस इज बॉर्न आउट ऑफ मेनी गॉड्स. यानी कि क्या होता है, अभी हम इंडियंस का ये एक बहुत ही कॉमन चीज है कि हम एक गॉड को नहीं, बहुत सारे गॉड्स को हम प्रे करते हैं. किसी गॉड के लिए कुछ होता है, किसी गॉड के लिए कुछ होता है, किसी गॉड के लिए कुछ होता है. वैसे जैसे कुछ रिलीजियंस है जो कंप्लीटली वन गॉड में बिलीव करते हैं, बट बहुत रिलीजन ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे गॉड्स में, पैंथियस्टिक हम बोल सकते हैं, बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करते हैं. तो हार्डी भी सिर्फ इसी चीज को मानता था कि बहुत सारे गॉड्स हैं और बहुत सारे गॉड्स में से कुछ बना है. और हार्डी और ये जो रामानुजन है, दोनों करीब करीब सेम ही मानते थे. मतलब रिलीजियन के बारे में दोनों की राय समान ही थी, ज्यादा मानते भी नहीं थे और थोड़ा बहुत मानते भी थे, और रिचुअल्स में थोड़ा बहुत यकीन रखते थे. जब ट्रिनिटी ने उनको एडमिशन दिया कॉलेज में, तो 4 साल के अंदर रामानुजन को वहां की फेलोशिप मिल गई. ही बिकेम अ फेलो. नाउ बिकमिंग अ फेलो मीन्स वॉट? मैंने आपको पहले भी बताया था, फेलो बनना यानी आपको रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए जो भी खर्चा लगता है वो कॉलेज आपको देगी. एक तरह से आप स्कॉलरशिप भी इसको बोल सकते हो, बट दिस इज नॉट स्कॉलरशिप, इसे हम फेलोशिप कहते हैं. फेलोशिप होना मतलब एक स्टेटस की बात है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अरे ये इस यूनिवर्सिटी का फेलो है. फेलो इस मतलब कि वो यूनिवर्सिटी आपके टैलेंट को देखकर आपको फेलो बनाती है, कि दैट मीन्स आपकी जो भी स्टडी है, रिसर्च है आप करोगे, हम आपको उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे. तो ट्रिनिटी ऐसे ही थे, उन वो ट्रिनिटी के फेलो बन गए. देर वॉज नो एलिन सेंट ओबिन सेल्फ इंडल्जेंस फॉर हिम एट ऑल. देर वॉज नो एलिन सेंट ओबिन. नब एलो सेंट ओबिन भी फेलो ऑफ ट्रिनिटी ही थे. मतलब ये कोई बहुत आसान काम नहीं था उनको ट्रिनिटी की फेलोशिप मिलना,
ये बहुत ही हार्ड वर्क किया है, सेल्फ इंडल्जेंस फॉर हिम एट ऑल, मतलब बैठे बिठाए कुछ मिल गया हो उनको, वैसा कुछ नहीं था एलन सेंट ओबिन, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिला है उनको, उनको उनके सेल्फ इंडल्जेंस यानी हार्ड वर्क, और उनको बड़ी खुशी से वो ये हार्ड वर्क करते थे क्योंकि उनको मजा आता था उस काम के अंदर। सेल्फ इंडल्जेंस इसी को कहा गया है, डूइंग समथिंग फॉर वंस ओन प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन। हार्डी यूज टू फाइंड हिम रिचुअली चेंज, और जब हार्डी जब इंग्लैंड आ गए रामानुजन, तो हार्डी ने देखा कि किस तरीके से रामानुजन जो है रिचुअली पूरी तरीके से चेंज हो गए, किस तरह से धोती में रहने वाले इंसान अब पायजामा में आ गए थे, और किस तरह से वो खुद अपने वेजिटेबल्स पका रहे थे फ्राइंग पैन में अपने ही रूम में। तो इस तरीके से हार्डी ने भी रामानुजन में काफी चेंजेस देखा। तो ये पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि रामानुजन दो एक बहुत ही रिलीजियस फैमिली से आते हैं, वो इतने ज्यादा रिलीजन में बिलीव नहीं करते, उतना ही बिलीव करते हैं जितना कि हार्डी बिलीव करते हैं, और थोड़ा बहुत जो वो रिचुअल में बिलीव करते हैं वो तो हार्डी भी करते हैं। और ट्रिनिटी में एडमिशन मिलने के 4 साल बाद ही उन्हें वहां की फेलोशिप भी मिल गई। उनके लिए ये आसान नहीं था, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन वो जो भी काम करते थे उनको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता था, प्लेजर मिलता था अपने काम के लिए, और इसी वजह से शायद वो इतना काबिल बन पाए, टैलेंटेड बन पाए, और उन्हें आगे फेलोशिप मिली थी। और धीरे धीरे इंग्लैंड में रहने के बाद वहां की जो कल्चर उन्होंने अपनाई, दैट मीन्स वो धोती से पायजामा में आ गए, और पायजामा में आ गए मतलब उन्होंने अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर दिया, और वो अपना खाना खुद ही बनाते थे। इस तरीके से ये पूरा पैराग्राफ है। देयर एसोसिएशन वॉज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंजली टचिंग वन। हार्डी डिड नॉट फॉरगेट दैट ही वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ अ जीनियस, बट जीनियस दैट वॉज इवन इन मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट अनट्रेंड। अब उनका जो एसोसिएशन था, एसोसिएशन मतलब यहां पर हम बॉन्डिंग कह सकते हैं, उनकी जो बॉन्डिंग थी एक दूसरे का जो कनेक्शन था एक दूसरे के लिए उनका, वो बहुत ही स्ट्रेंज था और बहुत ही मार्मिक था, टचिंग वन, इमोशनल था यू कैन से। और हार्डी ने हार्डी ये कभी नहीं भूले कि जब भी वो रामानुजन के साथ में रहते थे तो उन्हें हमेशा ये बात याद रहती थी कि वो एक बहुत ही जीनियस के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि रामानुजन जो एक बहुत ही बड़े जीनियस थे, मैथमेटिकल जीनियस, लेकिन वो ऐसे जीनियस थे कि जो अनट्रेंड जीनियस होते हैं, मतलब उन्हें प्रॉपर एडुकेशन नहीं मिला था, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली थी, फिर भी उनके अंदर वो टैलेंट था। इसका कॉमन एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, रिसेंटली शकुंतला मूवी रिलीज हुई है विद्या बालन की। शकुंतला मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें आपको जरूर से पता चलेगा कि शकुंतला देवी भी एक अनट्रेंड, उनको भी बेसिक एजुकेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मैथमेटिकल जीनियस थी वो। उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर की पदवी भी दी गई थी, वो भी इंग्लैंड में ही। तो ऑलमोस्ट अनट्रेंड वो थे, तो रामानुजन को खुद को ये नहीं पता था कि वो इतने बड़े जीनियस है और अनट्रेंड जीनियस है। एंड रामानुजन जो है वो मद्रास चेन्नई यूनिवर्सिटी में, उनको सिर्फ इसीलिए एडमिशन नहीं मिला था क्योंकि वो मैट्रिकुलेट नहीं हो पाए थे अपने 10th स्टैंडर्ड में, यानी इंग्लिश में पास नहीं हो पाए थे अपने 10th स्टैंडर्ड में, सो कुड नॉट मैट्रिकुलेट इन इंग्लिश। उनको चेन्नई यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं मिला था क्योंकि वो इंग्लिश में पास नहीं हो पाए थे। अकॉर्डिंग टू हार्डीज रिपोर्ट ही वॉज ऑलवेज एमिएबल एंड गुड नेचर्ड, बट नो डाउट ही समटाइम्स फाउंड हार्डीज कॉन्वर्जेशन आउटसाइड मैथमेटिक्स मोर देन अ लिटिल बैफलिंग। अब हार्डी ने, हार्डी के रिपोर्ट के हिसाब से रामानुजन जो एक बहुत ही एमिएबल, एमिएबल मतलब कि प्लीजेंट है, हमेशा स्माइलिंग रहता है, फ्रेंडली है, तो बहुत ही एमिएबल एंड गुड नेचर्ड पर्सन था रामानुजन। बट नो डाउट कभी कभी रामानुजन को हार्डी की कुछ बातें जो है बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगती थी, और वो भी कब, जब हार्डी की बातें मैथमेटिकल के बाहर की थी, यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जब बात नहीं करते थे तब उनको उनकी बातें कन्फ्यूजिंग लगती थी। He seems to have listened with a patient smile on his good, friendly, homely face. Even inside mathematics, they had to come to terms with the difference in their education. Ramanujan was self-taught. He knew nothing of the modern rigor. In a sense, he didn't know what a proof was. In an uncharacteristically sentimental moment, Hardy once wrote that if he had been better educated, he would have been less Ramanujan. जैसे कि हार्डी के हिसाब से रामानुजन एक बहुत ही एमिएबल, गुड नेचर्ड पर्सन था, हमेशा स्माइलिंग रहता था, भले ही कभी कभी उनको हार्डी की कुछ बातें जो आउटसाइड मैथमेटिक्स थी, मैथमेटिक्स के बाहर की बातें थी, कंफ्यूजिंग लगती थी, लेकिन
हमेशा रामानुजन उनकी बातों को पेशेंटली एक अपने स्माइल के साथ में हमेशा उनको सुनता था, अच्छे फ्रेंड की तरह। लेकिन जब, चलो ये तो मैथमेटिक्स के बाहर की बात अगर हार्डी करते थे तब रामानुजन का ये किस्सा था, लेकिन जब सिर्फ मैथमेटिक्स की भी बातें अगर हार्डी करते थे तभी भी उनको कुछ टर्म्स पे आना पड़ता था। दे हैड टू कॉम्प्रोमाइज एट सम पॉइंट कि उनको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता था। क्यों? क्योंकि रामानुजन जो है बेसिक एजुकेशन तो उनकी नहीं थी, फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं थी, लेकिन वो एक सेल्फ ट्रेन्ड मैथमेटिशियन थे। उन्होंने जो भी किया है बिना कोई बेसिक एजुकेशन के किया है। इसीलिए एक बार हार्डी ने रामानुजन के बारे में ये कहा है कि अगर रामानुजन जो है एजुकेटेड होते थे, अगर उनको एजुकेशन मिलता था, बेसिक एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन मिलता था, तो हो सकता है आज जो ये रामानुजन है एजुकेशन मिलने के बाद ये थोड़े ऐसे नहीं होते थे, इससे कम होते थे। मतलब कि उनका कहने का मतलब था कि कम इंटेलिजेंट होते थे। हालांकि इस बात को बाद में उन्होंने करेक्ट कर दिया ये बोल के कि हाँ, अगर उनका प्रॉपर एजुकेशन होता था तो शायद वो इससे भी ज्यादा बेटर रामानुजन होते थे। और उसके अलावा रामानुजन क्योंकि सेल्फ ट्रेन्ड थे और उनको कोई बेसिक एजुकेशन नहीं था, प्रॉपर ट्रेन्ड एजुकेशन नहीं था, इसीलिए उनको बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में जो कि एक प्रूफ वगैरह होता है या प्रॉपर रूल्स के साथ में, काफ़ी चीज़ें उन्हें नहीं पता थी। उन्हें बाद में हार्डी ने ट्रेन किया था इन सब चीज़ों के लिए। तो इसीलिए कहा गया है इन एन अनकैरेक्टरिस्टिकली सेंटिमेंटल मोमेंट। सेंटिमेंटल मोमेंट मतलब आप इमोशनल बोल सकते हो। और उस वक्त हार्डी ने ये कहा था कि अगर रामानुजन बेटर एजुकेटेड होते थे तो वो आज जो रामानुजन है उससे थोड़े कम रामानुजन होते थे, मतलब कम इंटेलिजेंट। लेकिन फिर बाद में कमिंग बैक टू हिज आयरनिक सेंसेस, वापस से जब उन्होंने अपनी बात को ही गलत साबित करके उसके विपरीत कुछ कहा, दैट इज कमिंग बैक टू हिज आयरनिक सेंसेस, हार्डी लेटर करेक्टेड हिमसेल्फ। अपनी बात को ही उन्होंने करेक्ट किया एंड सेड दैट द स्टेटमेंट वॉज नॉन सेंस, कि ये जो ऊपर उन्होंने कहा है ये नॉन सेंस है पूरा। एंड इफ रामानुजन हैड बीन बेटर एजुकेटेड ही वुड हैव बीन इवन मोर वंडरफुल देन ही वॉज, अगर वो बेटर एजुकेटेड होते तो आज जो है उससे भी ज़्यादा वंडरफुल होते थे। इनफैक्ट हार्डी वॉज ऑब्लाइज टू टीच हिम सम फॉर्मल मैथमेटिक्स एज दो रामानुजन हैड बीन अ स्कॉलरशिप कैंडिडेट एट विंचेस्टर। ऑब्लाइज मतलब उनको करना ही था, बाउंड टू डू समथिंग बोल सकते हैं, कि जैसे आप बंधे हुए हैं कोई काम करने के लिए। क्योंकि रामानुजन को बुलाया था हार्डी ने यहाँ पे, और क्योंकि उनकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, इसीलिए हार्डी को जरूरी था कि उनको एक बेसिक एजुकेशन ट्रेनिंग देना था। और हालांकि रामानुजन खुद एक स्टूडेंट है विंचेस्टर, स्कॉलरशिप कैंडिडेट थे विंचेस्टर के। एंड हार्डी सेड दैट दिस वॉज द मोस्ट सिंगुलर एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। अब ये जो चीज़ है ना बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, हार्डी ने ये कहा कि ये उनका बहुत ही सिंगुलर एक्सपीरियंस है उनकी लाइफ का। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने पूरी जिंदगी में कहीं नहीं किया और ना ही किसी ने किया होगा। उनका कहना है कि वॉट डिड मॉडर्न मैथमेटिक्स लुक लाइक टू समवन हु हैड द डीपेस्ट इनसाइट बट हु हैड लिटरली नेवर हर्ड ऑफ मोस्ट ऑफ इट। अब वो बोल रहे हैं कि मॉडर्न मैथमेटिक्स उस इंसान को कैसा लगता होगा जिसे उसकी सबसे गहरी नॉलेज है। समझ में आया? वापस से रिपीट करती हूँ, मॉडर्न मैथमेटिक्स उस इंसान को कैसा लगता होगा जिसे उसी सब्जेक्ट की सबसे गहरी नॉलेज है बट उसको उसने उस सब्जेक्ट के कुछ टर्म्स के बारे में कभी सुना ही नहीं है। मतलब इतनी डीप नॉलेज होने के बावजूद उसने उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मॉडर्न टर्म्स हम जो यूज करते हैं उनके बारे में कुछ सुना ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो ये भी एक आयरनी हो गई, उस इंसान को उस सब्जेक्ट की इतनी डीप नॉलेज है लेकिन फिर भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स नहीं पता है। तो यही हार्डी कहना चाह रहे हैं। इट इज गुड टू रिमेम्बर दैट इंग्लैंड गेव रामानुजन सच ऑनर्स एज वर पॉसिबल। मतलब उनका कहने का मतलब है कि इंग्लैंड ने रामानुजन को बहुत अच्छे अच्छे ऑनर्स दिए, जो उनको मिलने चाहिए वो सब ऑनर्स दिए। द रॉयल सोसाइटी इलेक्टेड हिम एज अ फेलो एट द एज ऑफ 30। इवन जो रॉयल सोसाइटी है, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उस रॉयल सोसाइटी ने भी रामानुजन को फेलो एट द एज ऑफ 30, जब यानी रामानुजन जब सिर्फ 30 साल के थे उस साल उन्होंने रामानुजन को एज अ फेलो इलेक्ट किया।
विच इवन फॉर अ मैथमेटिशियन इज वेरी यंग. यानी किसी मैथमेटिशियन के लिए 30 ईयर्स में फेलोशिप मिलना बहुत यंग एज हो गई है. यानी किसी को भी इतने यंग एज में फेलोशिप नहीं मिली रॉयल सोसाइटी के. तो सोचो रामानुजन कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. ट्रिनिटी ऑल्सो इलेक्टेड हिम एज अ फेलो इन द सेम ईयर. अब रॉयल सोसाइटी ने तो इलेक्ट किया ही है, ट्रिनिटी ने भी रामानुजन को उसी साल फेलो इलेक्ट किया है. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी गिवन ईदर ऑफ दीज डिस्टिंक्शंस. मतलब रामानुजन पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें ये दोनों ही डिस्टिंक्शंस मिले हैं. ही वॉज एमिएबली ग्रेटफुल. और वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे, थैंकफुल थे दोनों ही सोसाइटीज के लिए, हार्डी के लिए भी. बट ही सून बिकेम इल. लेकिन वो जल्द ही बीमार पड़ गए. हार्डी यूज टू विजिट हिम एज ही ले डाइंग इन हॉस्पिटल एट पटनी. हार्डी उनसे मिलने जाते थे जब वो हॉस्पिटल में थे, ले डाइंग मतलब मर रहे थे, क्योंकि उस वक्त उन्हें जो बीमारी हुई थी ट्यूबरक्लोसिस की, उस वक्त ट्यूबरक्लोसिस का इतना इलाज नहीं था. और क्योंकि उस वक्त जो उस वो जो ईयर था वो 19 जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त, 1914 समथिंग कुछ वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था. तो वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें ये बीमारी हुई थी, इसके कारण वर्ल्ड वॉर के कारण उन्हें कोई प्रॉपर सेफ या काइंड प्लेस में शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण उनकी जल्दी डेथ हो गई थी. तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, लास्ट पार्ट हम आ गए हैं. तो हार्डी जो है हमेशा उन्हें विजिट करने जाता था हॉस्पिटल में, जो कि पटनी में था. तो ये वन लाइन आंसर्स में पूछ सकते हैं, वेयर वॉज द हॉस्पिटल और वेयर वॉज हार्डी, वेयर वॉज रामानुजन एडमिटेड एट पटनी, इन अ हॉस्पिटल एट पटनी. इट वॉज ऑन वन ऑफ दोज विजिट्स दैट देयर हैपेंड द इंसिडेंट ऑफ द टैक्सी कैब नंबर. अब वही उनमें से ही उसी उन्हीं दिनों का एक इंसिडेंट है जो हार्डी याद कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि उस वक्त जो मेथड ऑफ कन्वेंस था, कन्वेंस उनके लिए मतलब ट्रैवल करना, जो मेथड ऑफ कन्वेंस था उनके लिए वो था टैक्सी. एज यूजुअल वो टैक्सी लेते थे. ही वेंट इन टू द रूम वेयर रामानुजन वॉज लाइंग. टैक्सी से जब वो रामानुजन के रूम में गए उनसे मिलने के लिए, तो हार्डी ऑलवेज क्लम्जी अबाउट इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्वर्जेशन सेड probably without a greeting and certainly as his first remark, the number of my taxi cab was 1729. It seemed to me rather a dull number, to which Ramanujan replied, no Hardy. अब हार्डी जब भी मिलने जाते थे रामानुजन को तो उन्हें बहुत ही ऑकवर्ड लगता था कि मैं किस तरह से कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करूँ रामानुजन के साथ, मैं किस तरह से बात करूँ, वो इतना बीमार है उसको कैसा पूछूँ, ठीक तो है ना, क्योंकि उसे भी पता है कि वो मरने वाला है, रामानुजन को भी पता है कि वो मरने वाला है. तो उसे हार्डी को बहुत ही क्लम्जी लगता था, क्लम्जी फील होता था, यानी ऑकवर्ड फील होता था, ऑकवर्ड मोमेंट उसके लिए होता था कि मैं किस तरीके से बात करूं. तो वो हमेशा कुछ ना कुछ अलग चीज़ों से शुरुआत करता था बात करने के लिए. तो एक दिन जब वो ऐसे ही हार्डी जब गए रामानुजन से मिलने के लिए, तो उन्होंने बहुत ही ऑकवर्डली अपना कॉन्वर्जेशन बातचीत स्टार्ट की, बिना उसको हेलो हाई किए, मतलब बिना उसको सॉरी बिना रामानुजन को हेलो हाई किए. उनका पहला रिमार्क यही था बात शुरू करने के लिए, पहला उन्होंने यही वर्ड कहा था कि आज मैं जिस टैक्सी में आया था उस टैक्सी का नंबर था 1729 और ये बहुत ही डल नंबर है, मुझे बहुत ही डल नंबर लग रहा है. टू विच रामानुजन रिप्लाइड. तो उस पर रामानुजन ने क्या कहा, नो हार्डी. अब 1729 आपको मैं ऐसे ही नंबर दे दूंगी तो आप तुरंत कुछ नहीं बता पाओगे, लेकिन एक प्रॉपर मैथमेटिशियन होगा तो वो प्रॉपर नंबर के बारे में कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली बताएगा. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर. इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज. तो अब रामानुजन जो है वो ऑलरेडी लेटा हुआ है बेड पे, बीमार है, लेकिन फिर भी 1729 जैसे ही हार्डी ने कहा वैसे ही रामानुजन ने कह दिया कि ये कोई डल नंबर नहीं है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, ये तो स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसिबल है एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज. दो क्यूब्स का सम है ये. क्यूब्स हमें पता है किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्यूब मिलता है. तो दो क्यूब अभी कौन से यहाँ पे दो क्यूब के सम यहाँ पे अलग अलग तरीके से बोले गए हैं. एक है 10 क्यूब और एक है 9 क्यूब. सम ऑफ 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब. 10 क्यूब इज 1000 एंड 9 क्यूब इज 729. तो 1000 प्लस 729 होता है 1729. तो 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब ये दो नंबर हो गए. ये स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेस कर दिया हमने दो नंबर का क्यूब. और दूसरा जो दो नंबर है वो है 12 क्यूब एंड 1 क्यूब. 12 क्यूब होता है 1728 और 1 क्यूब होता है 1.
तो 1728 प्लस 1 इज इक्वल टू 1729। तो ये दो नंबर्स हैं, दो क्यूब्स हैं अलग अलग तरीके से, जिनका सम हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो क्या है वो दो नंबर? 10 क्यूब और 9 क्यूब है, एक तो 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब और दूसरा है 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। इट वॉज डिफिकल्ट इन वॉर टाइम टू मूव रामानुजन टू अ काइंडर क्लाइमेट। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बैक इन मेड्रास चेन्नई 2 ईयर्स आफ्टर द वॉर। अब बहुत ही डिफिकल्ट था रामानुजन को उस वक्त शिफ्ट करना किसी अच्छे जगह पे, अच्छे क्लाइमेट वाली जगह पे, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वो ट्यूबरक्लोसिस के कारण उनकी डेथ हुई है मेड्रास चेन्नई में 2 साल बाद, वॉर खत्म होने के 2 साल बाद। एज हार्डी रोड इन द एपोलॉजी हिज रोल कॉल ऑफ मैथमेटिशियंस, गैलोइस डाइड एट 21, आबेल एट 27, रामानुजन एट 33, रीमैन एट 40। आई डो नॉट नो एन इंस्टेंस ऑफ अ मेजर मैथमेटिकल एडवांस इनिशिएटेड बाय अ मैन पास्ट 50। अब एक हार्डी ने जब कोई अपनी जब बुक लिखी तो उन्होंने अपने अपोलॉजी में लिखा है, यानी अपने राइटअप में लिखा है कि रोल कॉल ऑफ मैथमेटिशियंस, रोल कॉल ऑफ मैथमेटिशियंस मतलब जब भगवान का बुलावा आता है, कॉल और रोल यानी कि उम्र। तो वो कह रहे हैं कि जो भगवान का बुलावा आता है मैथमेटिशियन पे, वो ये है कि उन्होंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, देखा है जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हैं जैसे गैलोइस जो है 21 एज में उनकी डेथ हुई थी, आबेल जो है 27 इयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई थी, रामानुजन 33 इयर्स के ही थे, रीमन 40 इयर्स के ही थे। तो हार्डी का कहना है कि मैंने आज तक किसी भी मैथमेटिशियन को 50 साल की उम्र क्रॉस करते हुए नहीं देखा है, इनिशिएटेड बाय अ मैन पास्ट 50, जो कि मैथमेटिकल जीनियस हो। जितने भी मैथमेटिकल जीनियस हैं वो सब कम उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो इसी के साथ में मेरा ये पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। जल्द ही आऊंगी लास्ट लेसन, 8th स्टैंडर्ड का लास्ट लेसन के साथ में, अ बैटल टू बैफल। जल्द ही विद इन 2-3 डेज मेरा वीडियो आ जाएगा और आंसर्स के लिए आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करेंगे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो सारे आंसर्स उसके अंदर इंक्लूडिंग है। और इसी के साथ मेरा आज का ये सेशन खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। जल्द मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।